जिला जींद के कुछ लोगों को हथियार रखने का शौक महंगा पड़ गया। भिवानी के सदर थाना के तहत आने वाली मुंडाल चौकी पुलिस भी उस समय हैरान रह गई जब इन लोगों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। इनमें 5 बड़ी बंदूक, 1 पिस्तौल व 100 के करीब कारतूस भी शामिल है। विदेशी टाइप की बंदूकें व 100 के करीब कारतूस आमतौर पर आतंकवादियों से बरामद होते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये अवैध हथियार किसी आतंकी या बड़े गैंगस्टर से नहीं बल्कि आम लोगों से बरामद हुए हैं। इतनी संख्या में और इस प्रकार के हथियार बरामद होने की जिले में ये पहली घटना है। इतनी संख्या में अवैध हथियारों का जखीरा देख पुलिस टीम हैरान रह गई और उसी समय सदर थाना से पुलिस टीम बुलाई गई। नाम तो इसमें रह जाएगा सर, कुछ आरोपियों को आपने पकड़ा है, किस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे क्या बरामदगी हुई? कल नाइट को बीती को पुलिस का नाइट डोमिनेशन का प्रोग्राम चल रहा था। सुबह के समय हमारे को दौराने गश्त मुंडाल चौक के ऊपर एक गाड़ी और एक जताई चौक के पास पुलिस गश्त पार्टी के दौरान चेकिंग के दौरान असला मिला है, जो एक गाड़ी के अंदर 5 बंदे थे, दूसरी गाड़ी के अंदर 4 बंदे थे। उनके पास से हमारे को 5 राइफलें और 1 पिस्टल बरामद हुआ, काफ़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। सर क्या बताएं, इन्होंने कहाँ से ये लेकर आए थे, क्या कर रहे थे? ये प्रारंभिक पूछताछ में ये पोखरी खेड़े जिला जींद से संबंध रखते हैं, वहाँ पर आपसी जमीनी विवाद की रंजिश बनी हुई है, जो ये आज कोई शादी समारोह में गए थे, वहाँ से जब ये वापस आए तो गश्त के दौरान पुलिस को चेक किया, इनके पास असला के बारे में किसी प्रकार का कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, जो दौरान ने जांच जो इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का